तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्टली एक्सपेरिमेंट। पिछले क्लास में हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो उन्हीं की टीम से, रदरफोर्ड की टीम से एक जूनियर साइंटिस्ट थे मोस्टली, तो उन्होंने आगे एटम के ऊपर रिसर्च करने का लीड लिया। ना कब लिया उन्होंने, 1913 में उन्होंने एक स्टडी किया। किस बेसिस पे स्टडी किया ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। ओके, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया, तो उन्होंने वहां पर क्या किया बेटा, तो ही पोस्टुलेटेड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर वाज रिलेटेड टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट यूज्ड एज एंटी कैथोड। तो जिस एलिमेंट को आप एंटी कैथोड के हिसाब से यूज करेंगे, एंटी कैथोड क्या होता है, एंटी कैथोड एक टाइप का कैथोड होता है, जहां पर आप एंटी कैथोड एक टाइप का कैथोड या फिर इलेक्ट्रोड होता है, जहां पर आप इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो। कैसे बम्बार्ड करते हो भाई, कैसे बम्बार्ड करोगे, पोटेंशियल देके, पोटेंशियल देके इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो। लिख लो एंटी कैथोड के बारे में। तो वहां पर मोस्टली ने अपना एक लॉ दिया, क्या लॉ दिया उन्होंने, जो उन्होंने पोस्टुलेट या फिर काम किया उसी से मोस्टली का एक लॉ आया, वो ये है कि रूट वी या फिर रूट न्यू, फ्रीक्वेंसी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए इनटू जेड माइनस थीटा, जेड माइनस थीटा, जेड हो गया एटॉमिक चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर, अरे जेड हो गया एटॉमिक चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और थीटा हो गया स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। ये स्क्रीनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आप ये अभी समझिए, सिर्फ स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये जो स्क्रीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, और जेड जो होता है प्रोटॉन्स की वजह से आता है, और यहाँ पर ए अपना एक दूसरा कांस्टेंट है, यहाँ पर ए अपना एक दूसरा कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके साथ, रूट भी फ्रीक्वेंसी के रूट ओवर, ये दोनों ग्राफ आप कॉपी में ड्रा करो अभी, रूट भी फ्रीक्वेंसी का रूट ओवर वर्सेस मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, कैपिटल ए होता है, वो होता है एन प्लस पी या फिर एन प्लस जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया, जिगजैग वे में ऊपर बढ़ता गया, पर जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ रूट भी को प्लॉट किया, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 4 से लेकर आगे बढ़ा, तो उनका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आया, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। यहां पर स्लोप वेरिएबल है, देखो कभी आगे ऊपर जा रहा है पॉजिटिव स्लोप, फिर यहीं नीचे आ रहा है नेगेटिव स्लोप, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बट यहां पर एक कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप के साथ हमारा बढ़ता जाता है। तो इससे आपको कौन सा वाला ग्राफ स्टेबल लग रहा है, ऑब्वियसली मुझे सर दूसरा वाला एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ स्टेबल लग रहा है, ये वाला ग्राफ अनस्टेबल है। इसीलिए ही मोस्टली ने जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, बताओ हेनरी मोस्टली ने अपना पीरियोडिक लॉ क्या दिया था, निशित आपको मैंने पढ़ाया है 10th में, ये अरे मैंने जो आपका एक दो क्लास लिया था उसी में ये सब डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मोस्टली ने क्या पढ़ाया था, मोस्टली ने क्या बताया था, पीरियडिक लॉ क्या होता है, सब भूल गए। उन्होंने बोला था कि द पीरियडिक प्रॉपर्टीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, बट मेंडेलीव ने हमें क्या बोला था कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, बट मोस्टली ने हमें बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारा जो पीरियडिक प्रॉपर्टी वैरी करता है। तो उन्होंने इसका प्रूफ यहाँ पर दिया है, उन्होंने इसी जो वही जो स्टेटमेंट दिया था इसका प्रूफ इधर है। देखो जब आप एटॉमिक मास लेते हो तो आपका ग्राफ सही नहीं आता, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा स्लोप वाला आता है जो कि अनस्टेबल होता है, और ऐसा बिहेवियर नहीं होता एटम का, अनस्टेबल बिहेवियर एटम कभी नहीं दिखाता। पर यहाँ पर जब आप एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी के रूट ओवर को प्लॉट करते हो तो आता है पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो यह है स्टेबल वाला सिनारियो। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर ही जो है वही है अपना असली फंडा जो कि पीरियडिक प्रॉपर्टी का
आगे ले जाता है, पर वो तो हमने पीरियडिक में पढ़ लिया। यहां पर हमें क्या जानना है, सिर्फ जानना है कि ये वाला इक्वेशन है मोस्टलीस लॉ क्या है ना, फ्रीक्वेंसी का रूट ओवर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इन टू जेड माइनस थीटा, जेड फॉर एटोमिक नंबर एंड थीटा फॉर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। ये दोनों आप कॉपी में प्लीज लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे तो बहुत ही आसान आसान चीज है, आज ये पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में हम शुरू करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा इसके बारे में स्कूल में, बट उसके बारे में हम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बोर्स हाइड्रोजन मॉडल, उसके बाद शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स का जितना भी आपका है प्लस टू में, उतना हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक क्लास लगेगा, दो क्लास लगेगा बोर का पार्ट और क्वांटम का पार्ट, और दो तीन क्लास लगेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, जो कि आपका 11th का सबसे शायद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट, पीरियडिक टेबल। ये चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए। तो हम पहला टॉपिक तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से खत्म किए, फिर पीरियडिक थोड़ा सा शुरू किया था वो समर कोर्स के टाइम में, अभी पीरियडिक नहीं शुरू किया गया है, अभी हमने एटॉमिक पढ़ा, उसके बाद हम पीरियडिक शुरू करेंगे, उसके बाद बॉन्डिंग करेंगे, और आगे जो फिजिकल वाले चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन हो सका तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर ऑफलाइन चांस मिला, कोरोना वायरस ने हमें चांस दिया, तो आगे पढ़ते जाएंगे। सर वो जो रिकॉर्डिंग है ना भेज देंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग। कौन सा रिकॉर्डिंग बेटा? जो रिकॉर्डिंग आप चालू कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या करना है? वो ग्रुप पे भेज सकते हैं? हाँ मैं भेज सकता हूँ, आप YouTube में जाके देख सकते हैं, पूरा पुराना जितना सारा रिकॉर्डिंग वहाँ पर YouTube में डाला हुआ है। YouTube में सर क्या? हाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा बेटा। श्रुति रंजन बोल रहे हो? ओके सर, ओके सर। कौन कौन बोल रहा है ये? सबको मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, ये आज का क्लास का भेज दूंगा, आप वहां से जाके पीछे वाला देख सकते हो, सब कुछ अपलोडेड है, आपका जितना भी कुछ पढ़ाया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब कुछ अपलोडेड है। तो जब कोई याद नहीं आएगा या फिर कुछ पार्ट, जाके पीछे से देख सकते हो, कोई बात नहीं। ये वाला देखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है बेटा। एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है बोलो मुझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको मेरे को अभी आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये सब मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? मैंने पहले दिन आपको सिखा दिया था 36 तक, याद है कि नहीं याद है? या सिखाना पड़ेगा अभी सबका मास सिखाना पड़ेगा? अरे नहीं सिखाना पड़ेगा, लिखो एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड होता है और इसका क्या होता है नाम, ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। जब चार्ज होगा, एक कैटायन आयन होगा, तब हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिनेंगे। और यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये आपको पता है बेटा पहले से कि मास नंबर होता है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट एटॉमिक नंबर होता है हमारा सिर्फ प्रोटॉन। बट मैं आपको बोलूंगा एक रैंडम एटम, आयोडीन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है 55, और इसका मास है 127, शायद ऐसा ही कुछ। और इसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, और यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दिया गया है रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दिया गया है कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मैं पिंक कलर में दिखाता हूँ आपको अभी, कि यहाँ पर देखो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये हमारा जो सिंबल है, जो आपने अभी तक याद किया है ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, ये सब जो याद किया है, ये एक्स है अपना सिंबल। आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड के नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे रखना है, मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट सबका लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे रखना है जेड को, एटॉमिक नंबर को, और राइट हैंड साइड के ऊपर रखना है मास नंबर को। ये दिमाग में बराबर घुसाना, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, दोनों का एक साइड या फिर दोनों का इस साइड राइट हैंड साइड में मत लिखना, नीचे लिखना एटॉमिक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर लिखना मास नंबर को राइट हैंड साइड पे।
और देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिथियम का एग्जाम्पल दिया गया है 3, 7, और हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हैं आपके पास कैसा, H1H1H2 1H3, ये तीनों के बारे में आपको पता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम, हाँ कि नहीं, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम। ओके क्लियर करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आपने कभी आइसोटोप्स का नाम पहले तो सुना ही होगा, तो लिखो अपना कॉपी में आइसोटोप्स, एक शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ आइसोटोप्स के बारे में। क्या आपको आइसोटोप के बारे में पता है ना, एटम्स हैविंग, एटम्स और एलिमेंट्स हैविंग सेम क्या एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। वॉइस कट रहे हाँ बेटा, अभी थोड़ा इलेक्ट्रो जो सॉरी अभी थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया बीच में, वहां पर वॉइस कट हो रहा होगा, पर अभी सही है ना, अभी मेरा वॉइस सही है कि नहीं सही बताओ। व्हाट अबाउट नाउ, अभी मेरा वॉइस सही है? अरे बच्चों बताओ जल्दी, नहीं सही है, गलत है, वॉइस सही नहीं आ रहा है, बताओ। कट रहा है, अभी सही हुआ। Okay. अभी सर सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है। ओके ओके कोई बात नहीं, अगर इनकन्वीनियंस होता रहता है, नेट का प्रॉब्लम है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है इधर। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स तो आपको पता है सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, जेड का वैल्यू सेम होगा, या फिर वो एक ही एलिमेंट होगा और उसके डिफरेंट मास नंबर वाले आइसोटोप्स हमें मिलेंगे। जैसे कि हमारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, वहां पर आपको 3 आइसोटोप मिलते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। सुना ही नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, पढ़ाते समय कुछ भी नहीं सुना दे रहा, पढ़ाई के वक्त सुनाई नहीं दे रहा है, सील हो जा रहे सर, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम या मतलब साउंड का कुछ प्रॉब्लम, आपको क्या लग रहा है? नेटवर्क नेटवर्क साउंड का नहीं, सब आप जो लिखते हो ना वो भी थोड़ा थोड़ा हिलता है। ओके 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 हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, ओके धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप धीरे धीरे सुनो, सब धीरे धीरे सुनो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे लिखते हैं। आइसोटोप्स के बारे में आपको पता है कि सेम एटॉम के एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास होते हैं डिफरेंट। जैसे कि आपका पहला एलिमेंट जो है अपना हाइड्रोजन, उसका भी 3 आइसोटोप हमें मिलते हैं, जो कि H1H वो क्या है ना, प्रोटियम, और ड्यूटेरियम 1H2, और यहाँ पर ट्राइटेरियम 1H3, और इसको हम बोल सकते हैं ड्यूटेरियम D, और इसको हम बोलते हैं ट्राइटेरियम T। सिमिलरली कार्बन के भी 3 आइसोटोप हमें मिलते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, 16, 18, अरे ये सब इस साइड पे रखना, फिर नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हमें मिलते हैं, 14, 15, बोरोन के 2 आइसोटोप हमें मिलते हैं, बोरोन 10, बोरोन 11। तो जितने भी आप एलिमेंट देखोगे उनके बहुत सारे के आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, और एक फेमस आइसोटोप कौन है हमारे पास, क्लोरीन है। क्लोरीन का 2 आइसोटोप मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था, कैसे निकलता है क्लोरीन का मास 35.5, उसके बारे में भी बताया था या नहीं बताया था, किसको याद है, मुझे कोई बता सकता है कैसे निकला था क्लोरीन का मास 35.5, बताओ। क्लोरीन के तो सर 2 आइसोटोप हैं, एक है 35 और दूसरा है 37, पर क्लोरीन का मास सर कैसे 35.5 आया, कोई बता सकता है आप में से, सबको मैंने पढ़ाया है, कोई भी बताओ एक। स्मृति रंजन क्या पढ़ रहे थे आप, नहीं पढ़े, भूल गए, और किसको याद है, निशित जोग्यन दत्त किसको याद है बताओ, और कौन है, गिरिजा आप बताओ, ओके सब भूल जाते हो, हाँ बताओ बताओ कौन बोल रहा था बताओ, छोड़ो आपके लिए होमवर्क रहा, कॉपी अपना जो पुराना कॉपी है उसको ढूंढना, और कहां पर मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था देखना और मुझे बताना। आइसोटोप्स के बारे में हमारे पास इतना है, अभी हम पढ़ेंगे आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार के बारे में आपको क्या पता था बताओ,
सर आइसोबार एक ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है जहां पर हमें मास नंबर सेम मिलते हैं दो सब्सटेंस के और उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने ये कपल ढूंढा, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इनका मास तो सेम है सर, बट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाँ कि नहीं? तो वैसे और हमें क्या मिलेंगे आइसोटोपिक पेयर्स, आइसोबारिक पेयर्स, आइसोबारिक पेयर्स और क्या है, और एक फेमस आइसोबारिक पेयर है, बहुत सारे हैं पर और एक फेमस है, जैसे कि पोटासियम का होता है, सॉरी अभी क्या हुआ बेटा, अभी क्या हुआ, ये जूम के साथ क्या हुआ अभी बताओ, क्या सब कुछ अचानक से कट गया फिर से आ गया, क्या हुआ आप लोगों का, क्या हुआ फोन में अभी? सर आपकी आवाज नहीं आई बस, और सब ठीक है? और सब ठीक था, मतलब मीटिंग नहीं कटा है ना? नो सर, पहले से शुरू हुआ जैसे लग रहा है। वो एक सर वैसा एक लोडिंग दिखाया, लोडिंग लोडिंग दिखाया, ओके ओके कोई बात नहीं। आइसोबार फिर से डिस्कस करते हैं, हमें आप पता है कि सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे, जैसे कि कार्बन का 6 और 7 नाइट्रोजन, बट उनका मास नंबर आ गया 14। ये है कार्बन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप C14 और ये नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप। सिमिलरली और एक इसका फेमस एग्जांपल है आर्गन 40 और कैल्शियम 40, बट इन दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होगा, आर्गन का 18 एंड कैल्शियम का 20। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ढूंढ सकते हो अपने बुक में से या फिर पीरियडिक टेबल में से। पीरियडिक टेबल सबने अपने रूम में लगा लिया है, कभी भेजना तो सर मेरे पास बड़ा पीरियडिक टेबल हो या फिर छोटा सा भी हो, जो भी हो आपके स्टडी टेबल के सामने लगा देना, अभी आप 2 साल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का फंडा क्या है ना, दी स्पीसीज हैव सेम एटॉमिक नंबर as well as mass number, but different numbers of neutrons. तो इन लोगों का फंडा है कि उनका जो number of neutrons होते हैं वो same होते हैं, number of neutrons होते हैं वो same होते हैं, but इन लोगों का atomic number और mass number different होता है। देखो इन लोगों का atomic number और mass number different होता है but number of neutrons same होते हैं। तो ऐसे पेयर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर आपके लिए एग्जांपल बुक में ढूंढा गया है, क्या ढूंढा गया है कि कार्बन 6 और 14, C6 14 में क्या है ना, 6 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन बनके 14 बनाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी प्रोटॉन माइनस मास करेंगे 8 निकलेगा, और यहां पर भी 16 माइनस 8 करेंगे 8 निकलेगा, तो हर जगह 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा बना दिया एक आइसोटोनिक पेयर। ये तीनों परस्पर के आइसोटोन्स हैं, ये तीनों ईच अदर के आइसोटोन से, समझ आ गया? बहुत बढ़िया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिर आइसोस्टर्स, आइसोडायप्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसा कुछ होता है। ओके, हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं ना, दीज आर स्पीसीज व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ आपको नहीं देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गिनना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गिनना है। जैसे कि O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आप यहां पर लिख सकते हो Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और आप यहां पर लिख सकते हो N3 माइनस, और आप यहां पर नियॉन को भी लिख सकते हो, एक लंबा चौड़ा एग्जांपल बन जाएगा, इतने सारे आइसोटोनिक स्पीसीज जहां पर इलेक्ट्रॉन है 10। फिर आप और एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन है 18, वॉइस नहीं आ रहा होगा शायद, वॉइस आ रहा है बेटा, वॉइस आ रहा है सही से? नो सर, नो नो सर, नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है सर, अभी 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 बताओ, यस सर अभी भी ओके। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल गया, कहां से शुरू करेंगे आप, N3 माइनस से लेकर O2 माइनस, F माइनस, Ne नियॉन 0, फिर Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, इतना है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज। वैसे ही आप निकाल सकते हो कैसा 18 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज, फास्फोरस 3 सर, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दे रहे सर, नो सर, सर कट कट क्या करें आज नेटवर्क का भाई। ओके, इतना ही टॉपिक खत्म करके आज आपको छोड़ देते हैं, इतना ही, ये इजी वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से खत्म करके आपको छोड़ देते हैं। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल मान, 18 इलेक्ट्रॉन्स में कौन-कौन है,
P3 माइनस फॉस्फोरस, फिर सल्फर 2 माइनस भी होगा कि नहीं होगा? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नो सर, अभी आप अभी भी जो बोल रहे हैं वो भी नहीं सुनाई दे रहा सर, अभी अभी भी जो बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है? नो सर अभी बताओ सुनाई दे रहा है? नो सर सुनाई क्यों नहीं दे रहा है भाई? आज सब तो सही है, इंटरनेट भी कनेक्टेड हुआ है। वन सेकेंड मुझे थोड़ा रिफ्रेश। अब हैंग को हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? हेलो सर। हाँ कुछ सुनना ही नहीं दे रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? तो चलो मीटिंग एंड करके और एक बार आते हैं। चलो मीटिंग एंड करके और एक बार आते हैं।